Hello students, today I will explain you chapter number 5, Terrapin's Flying Adventure. ये एक story है Terrapin नाम के एक turtle की, जिसको उड़ने का शौक था और वो अपना शौक कैसे पूरा करता है, देखिए story में देखते हैं. Can you recognize the popular stories from the pictures? देखिए आपको 3 pictures दिखाई गई हैं. आई होप आप इन पिक्चर्स को देखकर ही स्टोरीज के नाम बता सकते हैं, इस स्टोरी के बारे में बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक कछुआ और खरगोश है, इनकी रेस के बारे में एक स्टोरी थी. यहाँ एक लॉयन और माउस के बारे में स्टोरी थी. यहाँ कुछ माइस थे, यानी माउस, काफ़ी सारे चूहे और एक कैट थी जिसके गले में घंटी बांधने वाला काम था. ये स्टोरी भी आपने ज़रूर सुनी होगी. तो अगर आपको ये स्टोरीज़ याद हैं तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं या इन स्टोरीज की एक रिकॉर्डेड वीडियो आप हमें सेंड कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टेरेपिन वॉज अ फेमस क्रिएचर इन मार्सलैंड. मार्सलैंड के अंदर एक टेरेपिन जो था वो सबसे फेमस क्रिएचर था. एक क्रिएचर मीन्स जीव, प्राणी. ही वॉज कॉल्ड ग्रम्बलर बिकॉज ही ग्रम्बल्ड अबाउट एवरी थिंग टू एवरी वन. उसको सब लोग ग्रम्बलर बुलाते थे. क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो हर किसी से किसी न किसी चीज़ के बारे में, हर किसी बात के बारे में शिकायत करता रहता था. इफ़ ही मेट रैबिट ही ग्रम्बल्ड दैट ही कुड नॉट रन लाइक हिम. अगर वो रैबिट से मिलता था तो बोलता था कि वो उसकी तरह दौड़ नहीं सकता. इफ़ ही मेट ईगल, अगर वो ईगल से मिलता था, ही ग्रम्बल्ड दैट ही कांट फ्लाई लाइक हिम, तो उससे शिकायत करता था कि वो उसकी तरह उड़ नहीं सकता. वन डे द बर्ड्स डिसाइडेड दे हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो एक दिन क्या होता है, सारी बर्ड्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा. दे वर फेड अप विद हिज ग्रम्बलिंग. वो उसकी शिकायत करने की आदत से बार बार परेशान हो चुके थे. दे वुड ट्राई टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई. तो उन्होंने सोचा कि वो कोशिश करेंगे कि इसको उड़ना सिखाएं, कि कैसे उड़ते हैं. क्रो केम फॉरवर्ड. जो क्रो होती है वहाँ पर वो आगे आती है. शी सैड टेरेपिन गेट ऑन माई बैक वी विल गो फॉर अ राइड इन द स्काई. तो वो उस कछुए से बोलती है, टेरेपिन आप आइए और मेरी पीठ पर बैठिए, आज हम हवा की सैर पर चलेंगे, स्काई में एक राइड करेंगे. राइड मतलब उड़ान की सवारी करेंगे. आपको मैं अपनी पीठ पर बैठा कर उड़ते हुए ले जाऊँगा. This way you will also learn how to fly. तो इस तरह से आपको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे उड़ते हैं. Terrapin got on to Crow's back happily. तो जो Terrapin होता है वो Crow की बैक पर, पीठ पर खुशी खुशी बैठ जाता है बड़ा खुश होकर. Off they went flying between trees and tall houses. और वो काफ़ी ऊँचा उड़ते हुए, कभी लंबे लंबे trees, लंबे लंबे house बने होते हैं उनके बीच से उड़ते हुए निकलते हैं. Terrapin felt very proud when all his brothers waved to him from the ground. तो जब वो देखता है कि नीचे उसके ब्रदर्स थे टेरेपिन के, वो उसको देखते हैं ऊपर उड़ते हुए, तो उसको ऐसे हाथ हिलाकर इशारा करते हैं, उसको हाय बोलते हैं. तो टेरेपिन अपने आप के अंदर काफ़ी प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है कि अरे वाह, मैं तो काफ़ी अच्छी जगह आ गया हूँ, देखो मेरे ब्रदर्स अभी नीचे ही हूँ, मैं हवा आकाश में उड़ रहा हूँ. बट ही वॉन्टेड मोर एक्साइटमेंट. लेकिन उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए था. वी आर नॉट हाई इनफ ग्रम्बल्ड टेरेपिन. टेरेपिन ने फिर शिकायत की कि हम लोग ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं. कांट यू गो हायर, क्या तुम और ऊँचा नहीं जा सकते? नो सॉरी, आई कांट गो हायर. हियर्स वल्चर, ही कैन यू टेक यू हायर. क्रो सैड. तो क्रो ने बोला कि नो सॉरी, मैं और ऊपर नहीं, इतना ऊँचा और ऊपर नहीं जा सकता. हियर्स वल्चर, यहाँ पर एक वल्चर है, देखिए. He can you take you higher. वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपको और ऊंचा ले जा सकता है. टेरेपिन slipped onto vulture's back. तो टेरेपिन क्रो की बैक से स्लिप होकर वल्चर की बैक पर आ जाता है. They went climbing over forests and rivers. वो उड़ते हुए जंगलों के और रिवर्स के ऊपर चले जाते हैं और ऊंचाई पर चले जाते हैं. Oh wee, this is the best day of my life. Terrapin squealed with delight. तो टेरेपिन होता खुशी से एकदम भर जाता है, बोलता है कि अरे वाह, ये तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है कि मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ.
After gliding for some time with terrapin on his back, Vulture noticed his brothers having a feast in his valley down below. काफ़ी देर तक हवा में रहने के बाद जो वल्चर होता है वो देखता है कि नीचे वैली में, वैली यानी माउंटेन्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम वैली बोलते हैं, वहाँ वो देखता है कि उसके कुछ ब्रदर्स थे वल्चर के जो वहाँ पर फीस्ट कर रहे थे यानी दावत उड़ा रहे थे, कुछ ना कुछ खा रहे थे. कैन यू सी डाउन देयर, ही आस्क्ड टेरेपिन, उसने टेरेपिन से पूछा कि आपको कुछ दिखाई दिया. टेरेपिन ऑफकोर्स could not see the feast happening down in the valley. लेकिन जो टेरेपिन था उसको तो इतना नीचे दिखाई देगा नहीं. वल्चर की नज़र तो तेज होती है, दूर तक का देख सकती है, लेकिन टेरेपिन को इतना नीचे दिखाई नहीं. His eyesight was not as good as vultures, क्योंकि उसकी नज़र इतनी तेज नहीं थी जितनी कि वल्चर की थी. Hawk was flying close by. तो जो हॉक था वो उसके पास से गुजर रहा था. वल्चर whistled to hawk. वल्चर उसको इशारा करके सीटी देकर बुलाता है. हॉक कम एंड गिव टेरेपिन अ राइड इन द क्लाउड्स, कि आप आइए और टेरेपिन को लेके जाइए, थोड़ा क्लाउड्स की भी यात्रा करवा के लाइए, बादलों में लेके जाइए. आई हैव गॉट टू गो डाउन, मुझे नीचे जाना है. सो हॉक टुक टेरेपिन ऑन हिज बैक एंड स्पेड अवे हायर. तो इसके बाद क्या होता है, हॉक टेरेपिन को अपनी पीठ पर ले लेता है और ऊंचा उसको ले जाता है. Now I am reaching the clouds, Terrapin said. Terrapin बोलता है कि अब तो मैं बादलों में पहुंच गया हूँ. Just then, King Eagle with his beautiful shiny brown feathers came flying by. उसी समय क्या होता है, King Eagle वहाँ पर आ जाता है अपने सुंदर सुंदर बड़े बड़े brown कलर के feathers के साथ, चमकदार पंख थे उसके. वो वहाँ से होकर गुजरता है. Ah, brother Terrapin, This is not what you call flying in the clouds. कि ये तो कोई बात नहीं हुई, आप बादलों में उड़ रहे हो. Hawk, take him to where he can get a good view of earth, he said. तो बोलता है कि आप इसे इतना ऊंचा लेके जाओ, इतनी अच्छी जगह लेके जाओ कि जहाँ से इतना अर्थ का बहुत खूबसूरत व्यू मिल सके, अर्थ ठीक से दिखाई दे. Oh no, I will only fly as high as is good for me, Hawk said. तो Hawk बोलता है कि अरे नहीं, मैं सिर्फ उतना ही ऊंचा उड़ सकता हूँ जितना मेरे लिए अच्छा है. Why don't you take him? आप अपनी पीठ पर क्यों नहीं बिठा लेते इसको? तो Terrapin, get on my back. I'll give you ride you will never forget, King Eagle said. King Eagle बोलते हैं उससे, Terrapin से, कि Terrapin चलो आ जाओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं आज आपको एक ऐसी राइड दूंगा कि आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे. Terrapin was happy. Terrapin बहुत खुश था उस समय. King Eagle has the longest wing as he is the strongest bird. King Eagle की काफ़ी बड़े बड़े पंख थे, लंबे लंबे पंख थे, क्योंकि वो सबसे strongest bird है. So I'll have a comfortable ride, Terrapin thought to himself. Terrapin अपने आप में सोचा कि ये तो भाई राजा है सभी birds का, सबसे मजबूत strong bird है, उसके पंख भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी इसकी पीठ पर. टेरेपिन ने ऐसा अपने आप के अंदर सोचा. अप एंड अप एंड अप दे वेंट, ऊंचे ऊंचे और ऊपर वे लोग उड़ते गए. किंग ईगल टुक टेरेपिन सो हाई ही कुड नॉट सी एनी हाउसेस बिलो. किंग ईगल उस टेरेपिन को इतना ऊंचा लेकर गया वहाँ कि जहाँ से हाउस देखना भी, जो जमीन पर हाउस बने थे, घर बने थे, वो भी देखना बंद हो गए. They had become so small, they were almost invisible. वो इतने छोटे होते जा रहे थे, इतने छोटे हो चुके थे देखने में, ऐसा लग रहा था कि एक तरह से वो है ही नहीं धरती पर, एकदम invisible हो गए हैं, गायब हो गए हैं. Terrapin began to feel scared. अब वो Terrapin को डर लगने लगा. What if I fall? अरे भाई क्या होगा अगर मैं यहाँ से गिर गया तो? I'll crash to pieces on the ground. मैं तो जमीन पर गिरा तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. वल्चर विल देन फीस्ट ऑन माई टेंडर स्किन. और फिर उसके बाद भाई मेरी तो जो भी हड्डियाँ टूट जाएंगी, मांस निकल आएगा, मेरी खाल को तो ये गिद्ध नोच नोच के खाएंगे, यानी कि वल्चर. हॉरिबल यानी बहुत खतरनाक. ही शडर्ड एट द थॉट. ये सोचकर वो एक तरह से बुरी तरह से कांप गया डर की वजह से. कैन वी प्लीज गो डाउन किंग ईगल, I am scared, I am falling,
अब वो धीरे से बोलता है किंग ईगल से कि किंग ईगल क्या हम नीचे और अब हम नीचे जा सकते हैं प्लीज़। आई एम स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम फॉलिंग, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिरूँगा। बट वी कैन गो हायर, कम कम जस्ट अ लिटिल हायर, किंग ईगल सैड सॉफ्टली। किंग ईगल ने भी सॉफ्टली बोला कि लेकिन हम अभी और ऊपर जा सकते हैं, चलो चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। नो, टेक मी डाउन प्लीज, आई एम फीलिंग डिजी प्लीज, टेरेपिन बैग। टेरेपिन ने अब बेचारे ने गिड़गिड़ाना चालू कर दिया, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करने लगा किंग ईगल से कि नहीं नहीं प्लीज मुझे नीचे उतारिए, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे एकदम से चक्कर से आने लगे हैं, मुझे नीचे उतारिए। बट आरेंट यू एंजॉयिंग द राइड, किंग ईगल आस्क्ड अ लिटिल अनॉयड विद टेरेपिन। अब टेरेपिन से थोड़ा सा वो परेशान सा हो गया किंग ईगल, कि पहले तो ये बोलता था मुझे उड़ना नहीं आता, मैं आपकी तरह उड़ नहीं सकता, अब मैं इसको ऊपर लेकर आ गया हूँ तो अब इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो वो बोला कि आपको ये राइड में आपने एंजॉय नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा। ओह नो, अरे नहीं नहीं आई मीन येस, हाँ, ही लॉफ्ड नर्वसली, हंसते हुए वो थोड़ा सा नर्वस होकर भी और थोड़ा थोड़ा झूठ मूठ का हंस के भी उसके सामने बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे राइड पसंद आई है। अ लिटिल बिट हायर एंड देन आई विल स्वूप डाउन, ही। किंग ईगल लाफ्ड, किंग ईगल हंसते हुए बोलता है कि थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं फिर नीचे आ जाऊंगा। जस्ट देन टेरेपिन रिमेंबर्ड ही हैड अ काइट वाइंडर विद स्ट्रॉन्ग थ्रेड इन हिज पॉकेट। फिर अचानक से उसको याद आता है टेरेपिन को कि उसके पास तो जो काइट वाइंडर जो थ्रेड होता है स्ट्रॉन्ग थ्रेड के साथ, वो भी उसके साथ मौजूद था उस समय उसकी पॉकेट में। ही क्विकली टाइड सम थ्रेड टू किंग्स ईगल लेग्स, उसमें से कुछ धागा वो किंग ईगल के लेग्स पर बांध देता है एक तरफ से। देन ही हेल्ड ऑन टू द वाइंडर एंड लीव्ड ऑफ किंग्स ईगल बैक। उसके बाद वो कीगल किंग ईगल के पैर में एक धागा बांध देता है एक हिस्सा, दूसरे हिस्से को पकड़ते हुए नीचे कूद जाता है किंग ईगल की बैक से। ही लेट हिमसेल्फ डाउन 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 ऑन द थ्रेड टिल ही रीच द ग्राउंड। वो उस थ्रेड के सारे धागे के सारे सहारे उतरता हुआ नीचे ग्राउंड तक आ जाता है। फ्यू, सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर, वो एक तरह से चैन की सांस लेते हुए बोलता है हाँ अब तो बड़ी दुविधा से, डिजास्टर से, एक एक तरह से आपदा थी उससे मैं बच गया। दैट वॉज अ राइट आई वॉन्ट फॉरगेट, ये तो एक ऐसी राइट थी जो मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। आई एम हैप्पियर एंड सेफर ऑन द ग्राउंड ही सेड, अब मैं बहुत खुश हूँ और सुरक्षित भी हूँ ग्राउंड पर आकर। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से टेरापेन नेवर ग्रम्बल दैट ही कुड नॉट फ्लाई, उसके बाद से उसने कभी शिकायत नहीं की कि वो उड़ नहीं सकता। ही हैज़ रिमेन्ड ऑन द ग्राउंड फॉर एवर, और वो वहीं धरती पर ही हमेशा के लिए रहा। तो किड्स, दिस वॉज अ आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको इस चैप्टर को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है और प्लीज़ इसके हार्ड वर्ड्स याद रखिए, वर्ड मीनिंग्स भी याद कीजिए, उनको नोटबुक में लिखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।